वेलकम टू आवर चैनल मेडिको क्लासेस। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हीमोग्लोबिन के ऊपर। तो देखो, ब्लड में हम सीरीज लाए थे, ब्लड में हमने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक करा फंक्शन ऑफ द ब्लड एंड द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट हमने करा प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। नेक्स्ट अब हम थर्ड लेके आए हीमोग्लोबिन, जिसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया था। हीमोग्लोबिन से आपका सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन आ सकता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का वैल्यूज़ वगैरह आपको वाइवा में पूछते हैं। तो एक सिंथेसिस हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन का फेट मतलब जो डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एक इंपॉर्टेंट हो गया, दो क्वेश्चन। और तीसरा आपका ये लो जो एडल्ट और फीटल हीमोग्लोबिन वगैरह होते हैं ना, वो आपको पूछते हैं। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, हम लोग सारा कवर करेंगे, दो तीन वीडियो आएंगे हीमोग्लोबिन पे। तो चलो हम लोग देखते हैं ना। कम टू द हीमोग्लोबिन पोर्शन, इधर रेड ऑक्सीजन क्या होता क्या, पहले एक बार थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इधर रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन द आरबीसी, कलर हम रेडी ले लेते हैं क्या, क्योंकि रेड कलर का है। इधर रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन द आरबीसी ऑफ वर्टिब्रेट्स इज हीमोग्लोबिन। जो रेड एक कलर का एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है, मतलब जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है वही तुम्हारा हीमोग्लोबिन है आरबीसी में। और ये क्या करता है, किस किस पार्ट से मिलकर बना है, दैट इज द प्रोटीन पार्ट, दैट इज द पॉलीपेप्टाइड एंड द यूनाइटेड विद द पिगमेंट हीम, हीम पार्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ग्लोबिन और हीम, ठीक है, ग्लोबिन प्लस हीम मिलकर क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन। तो ये दो पार्ट मिलकर बना हुआ है, जिसमें जो ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट एंड द पिगमेंट पार्ट इज द हीम वन। तो हमने देखा हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट द रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, जो एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है आरबीसीज ऑफ वर्टिब्रेट्स में, इसी को हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि नॉर्मल वैल्यूज ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो दे आर नॉर्मल वैल्यूज बर्थ के टाइम पे क्या होता है, दैट इज 23 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, सॉरी मिलीग्राम नहीं, 23 ग्राम पर डेसीलीटर होता है बर्थ के टाइम पे। बिकॉज आरबीसी काउंट आपको पता है, जैसे ही बर्थ होता है तो आरबीसी के लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम लोग आरबीसी भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा ज़्यादा उम्मीद है वो इरिथ्रोपोइसिस ही होने वाला है हम लोग का नेक्स्ट सीरीज, मतलब नेक्स्ट चैप्टर। ये हमारे हीमोग्लोबिन का दो तीन वीडियोज आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे आरबीसी से। तो देखो, तो हमने बर्थ के टाइम पे क्या बोला, करीब 23 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन के होते हैं। और एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, जैसे ही बर्थ हो गया बच्चे का, बच्चे के 3 महीने के बाद करीब हो जाएगा 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर इन्फेंट में। ये टोटली ऑन द मिल्क फीड विच इज डिवॉइड ऑफ द आयरन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चा जन्म लेने के बाद क्या करता है, मिल्क फीड करता है, मतलब जो माँ का दूध पीता है, और माँ के दूध में क्या होता है ना, आयरन नहीं होता, दैट्स वाई। अब देखो, आफ्टर 3 मंथ द हीमोग्लोबिन इंक्रीजेज ग्रेजुअली एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 1 ईयर बिकम्स 12.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देखो 3 महीने के बाद क्या होता है ना कि हीमोग्लोबिन का लेवल अचानक से बढ़ने लगता है। एट द एंड ऑफ द 1 साल के जैसे ही खत्म होने वाला होता है बच्चे का, वैसे ही हीमोग्लोबिन का लेवल हो जाता है 12.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो बच्चों में आपको इतना देखने को मिलेगा, 12.5 ग्राम डेसीलीटर। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बेसिक बात है, इसमें ज़्यादा इंफोसिस, आपको डाटा पता होना चाहिए, बिकॉज वाइवा में ऐसे डाटा पूछते हैं। मेल्स में एक 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, एवरेज इज 15.5, आपको पता होना चाहिए 12 to 15। देखो ये हर बुक में कुछ डाटा वैरी होता है, कहीं पे 14 से 16 दिया हो, कहीं पे 14 से 18 दिया है, कहीं पे 15 से 17 दिया है, तो ये सब डाटा वैरी करता है। तो इसलिए आप इसको डाटा को ध्यान में रखें, एक एवरेज कोई सा भी डाटा आप याद रख लें जो आपको याद आता है और वो सही होगा। बट एक क्लिनिकली क्या होता है ना, देखो अब सब चीज़ ठीक है, बट क्लिनिकली 14.8 ग्राम डेसीलीटर है, एज को, सेक्स को छोड़ दो, मतलब मेल हो या फीमेल हो उसको छोड़ दो, तो ये 14.8 ग्राम पर डेसीलीटर अगर हीमोग्लोबिन है प्रेजेंट, दैट मीन्स द 100% हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में। अब देखो आप लोगों को बताओ, मेरे नोट्स कैसा भी, मैं देखो मैं नोट्स ऐसा लिखता हूँ जो आपको समझ में आ जाए। अब मुझसे ये नहीं हो सकता कि मैं पूरा चीज़ एकदम एक्यूरेट पेज में सजा के लिखूँ, बिकॉज यार मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, सो मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक वर्ड को पूरा एकदम मेंशन करूँ, एक लिखूँ। मैं सब चीज़ समझाने पर फोकस करता हूँ, और समझ गए तो आप इस नोट्स का क्या है, ये तो आप पढ़ने के लिए बस होता है, कैसे भी पढ़ना है पढ़ लोगे, फिर आप खुद से बना लोगे। तो चलो हम बात करते हैं नाउ द 1 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन कैरी वन पर। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, दैट इज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो इसे हमको पता होना चाहिए कि ब्लड कितना ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है ना, 1 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन कैरी करता है 1.34 ml। देखो हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट अ कैरियर, मतलब एक व्हीकल है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। रेड कलर का एक व्हीकल है, लाल कलर की फरारी है जो ऑक्सीजन ढो रही है। तो सिंपल सी बात है, 1.34 ml कैरी करती है ऑक्सीजन को। सो दैट इज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लंग। देखो इसका वैल्यू मेल्स में होता है 20, देखो 1 ग्राम 1.34 है, तो मेल्स में कितना ग्राम है हीमोग्लोबिन होता है, 14 to 18, तो यू कैन मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो तुम्हारा मेल्स में क्या है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करते हैं, 14 या 18, मान लो हमने 15.5 एवरेज लिया, तो 16 ले लेते हैं, तो 16 है तो तुम्हारा क्या होगा, 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो 16 को, तो 16 को जब 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 48 और 16 क्या, 8, 6, 4, 10, 0, मतलब वही समझी। तो देखो 20 point something तुमको आ रहा है, 20 point something, देखो सॉरी 200 गलती से लिख दिया, इसको हटाओ, तो ये 20.8 something आएगा। नाउ इट्स रिटन एज 21 ml
मील्स में, वही 18 में मल्टीप्लाई करना है सिंपली, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आप 1.3 पर याद रखो, मल्टीप्लाई खुद कर ले जहाँ करना होगा। नाउ सम आर द फंक्शंस ऑफ हेमोग्लोबिन। देखो दीज आर द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन टू फैसिलिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। इसका काम क्या है, CO ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू के पास लेके जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन आता है तो वहाँ से टिश्यूज के पास ले जाएगा, और CO2 जो होगा ना वो लंग्स से लेगा और टिश्यू से लेगा और लंग्स के पास जाएगा। देखो ये लंग्स है, ठीक है। हेमोग्लोबिन का काम क्या है कि ऑक्सीजन आया लंग्स के पास, ऑक्सीजन यहाँ से, और ये टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू इसने लंग्स से उठाया और टिश्यू को दे दिया। अब टिश्यू ने इसका यूटिलाइज करके इस ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिया CO2 में, तो वापस से हेमोग्लोबिन CO2 को लेगा और लंग्स को वापस ला के दे देगा। दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द हेमोग्लोबिन, ठीक है। नाउ कम टू द इट एक्ट एज अ इट एक्ट एज अ एक्सीलेंट बफर। देखो मैंने अगर इससे पहले ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन बताया, उसमें बताया था कि जो हेमोग्लोबिन होता है वो बफर की तरह काम करता है, बींग अ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% ऑफ बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ब्लड की करीब 70% बफरिंग कैपेसिटी है वो आपका हेमोग्लोबिन के कारण ही है। सो इट इज एसेंशियल टू रिमेंबर, इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने हेमोग्लोबिन के साथ साथ, जैसे आपने हेडिंग में ही देखा होगा, हेमोग्लोबिन एंड फ्री हेमोग्लोबिन। देखो फ्री हेमोग्लोबिन बड़ा, मतलब देखो ये शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं और वाइवा वगैरह में पूछते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो अगर हेमोग्लोबिन प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व हो गया, आपको पता है कि जब आप नॉर्मली हम लोग जब किसी ब्लड का एंटीकोगुलेशन ट्यूब में रखते हैं तो ब्लड जैसे कोगुलेट होता है, तो अपर वाला पार्ट जो होता है दैट इज योर प्लाज्मा, एंड नीचे वाला पार्ट होता है वो ब्लड सेल्स होता है। तो मैंने सारा डिटेल बताया हुआ है, तो प्लाज्मा इज द 55%, ठीक है, और ये ब्लड सेल्स में ही आपके क्या होता है ना, RBC होता है 45% करीब तुम्हारा, 45 या तुम कह लो कि 40% तुम्हारा RBC होता है, मैक्सिमम पॉइंट RBC होता है, थोड़ा सा 45% ज़्यादा बोलते हैं RBC का, और ये थोड़ा सा एकदम प्रेजेंट होता है तुम्हारा WBC प्लेटलेट्स। तो मेनली ब्लड सेल होते हैं 45%, ब्लड सेल होते हैं तुम्हारा 45%। तो RBC क्या हुआ कि देखो अगर हेमोग्लोबिन डिजॉल्व कर गया, अब RBC की ब्रेकडाउन होगी, तो आपको पता है अब ब्लड का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, हीम और ग्लोबिन में टूटेगा, हीम प्लस ग्लोबिन दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो आपका जो ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, मतलब ब्लड क्या हुआ, ब्लड को कैरी करा था हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन क्या करेगा, हेमोग्लोबिन अब यहाँ पे मान लो कुछ डिसोसिएशन ऐसा कुछ भी हुआ होगा जिसके कारण क्या हुआ, ये हेमोग्लोबिन यहाँ से जाके इस प्लाज्मा में डिजोल्व कर गया। अब प्लाज्मा में जब हेमोग्लोबिन डिजोल्व करता है दैट हेमोग्लोबिन इन्होंने फ्री हेमोग्लोबिन। अब देखो इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, सो देखो इसके डिसएडवांटेज बहुत आपसे पूछे जाएंगे, इसके डिसएडवांटेज ऑफ द फ्री हेमोग्लोबिन। तो देखो अब आपको पता है कि प्लाज्मा में जैसे ही ये चला जाएगा तो ये क्या करेगा, देखो इसका मतलब होता है इंक्रीज, ये मेरे कुछ शॉर्ट टर्म्स है, इसका मतलब होता है डिक्रीज, इसका मतलब होता है एबसेंट, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है। वही अगर निगेटिव होगा तो यहाँ जो ST लिखे हैं इसको VE कर देंगे, पॉजिटिव में VE कर देंगे तो पॉजिटिव। ये सब मैंने कुछ शॉर्ट टर्म्स यूज करते हैं टाइम बचाने के लिए। इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा हेंस होल ब्लड कॉजिंग BP टू राइज। देखो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो, मतलब ब्लड में जो रेसिस्टेंस मिल रहा है दैट इज योर ब्लड प्रेशर। तो देखो फ्री हेमोग्लोबिन क्या करता है ना, प्लाज्मा की विस्कोसिटी को बढ़ा देता है। तो अगर प्लाज्मा विस्कोसिटी बढ़ेगा, प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन आ गया तो हेमोग्लोबिन क्या करेगा, विस्कोसिटी बढ़ाएगा, और विस्कोसिटी अगर प्लाज्मा की बढ़ जाएगी तो पूरे ब्लड की प्लाज्मा, पूरे ब्लड की तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर विस्कोसिटी बढ़ गई तो क्या हुआ, दैट विल लीड टू द कॉजिंग ऑफ राइज ऑफ द तुम्हारा। देखो अब सबसे पहले क्या हुआ, इंक्रीज हो गया विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा, विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा। अब विस्कोसिटी प्लाज्मा का हुआ तो इससे प्लाज्मा से क्या होगा, ब्लड में विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, प्लाज्मा के कारण ब्लड में इंक्रीज की तुम्हारा विस्कोसिटी। ब्लड इज अ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स ना, ब्लड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। तो अब ये ब्लड से इंक्रीज की, तो ब्लड में अगर विस्कोसिटी बढ़ी तो ब्लड इज नथिंग, विस्कोसिटी मतलब क्या, रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो, मतलब फ्लो में रेसिस्टेंस मिल रहा है, एंड फ्लो ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ब्लड, ब्लड फ्लो के रेसिस्टेंस को तो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो क्या हुआ, इट लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, BP इंक्रीज कर जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट में, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन करो, डाउट पूछो, सब कर सकते हो वहाँ पे। नाउ द इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर टू 100 mmHg। अब देखो ये इंक्रीज हुआ तुम्हारा क्या हुआ कि 100 mmHg, और देखो ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मली हमने आपको बताया था 25 mmHg होता है, बट ये जो प्लाज्मा में फ्री हेमोग्लोबिन आने से क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को 100 mmHg तक हम लोग ले जाते हैं, मतलब ले जाता है ये। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड इंटरफेयर विद द मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड एक्सचेंज बिटवीन कैपिलरीज एंड टिश्यू स्पेस। आपको जैसा कि पता है, हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन में कि कैपिलरी साइड, जो कैपिलरी साइड, देखो ये हो गया तुम्हारा आर्टेरियल साइड और ये हो गया वेनस साइड। तो आर्टेरियल साइड वाला में दो प्रेशर बताया था, CHP कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, COP कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ये
यही जो दोनों प्रेशर होता है ना, यही प्रेशर हेल्प करता है ब्लड के बाहर मूवमेंट और इंटरनल मूवमेंट में। जिसमें जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो ब्लड को क्या करता है ना, बाहर की ओर पुश करता है, मतलब ये फिल्ट्रेशन करवाता है ब्लड का, ब्लड को बाहर करेगा फिल्टर करने के लिए। और जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑंकोटिक प्रेशर होता है, ये ब्लड को अपने ही कैपिलरी के अंदर ही रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो जैसे घर में मान लो दो होंगे, जैसे दादी होगी और मम्मी होगी, तो दादी वगैरह जो होती है वो कहती है कि ढील देती है कि जाओ घूमो फिरो, और मम्मी वगैरह क्या होती है घींच के रखती है घर में कि नहीं बाहर नहीं जाने देना है बच्चों को, अंदर रखो। सो दैट्स अ थिंग मतलब समझने के लिए। तो ये कैपिलरी हम लोग, तो ये पूरा जो कैपिलरी मेथड में क्या होता है, इसलिए इन दोनों मैकेनिज्म के कारण प्रॉब्लम होता है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस पे एक फोर्स आता है जो स्टार्लिंग फोर्स, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। किसी को अगर इमिडिएटली अगर चाहिए वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करना है कि स्टार्लिंग फोर्स का वीडियो चाहिए। लॉस ऑफ द फ्री हीमोग्लोबिन बाय द किडनीज इन यूरिन। अब क्या होता है कि जो फ्री हीमोग्लोबिन होता है ना, अब वो एक्सक्रीट भी होगा तो वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होगा, तो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा ना, तो मतलब हीमोग्लोबिन निकलेगा किडनी के थ्रू। तो अब कोई भी चीज़ वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको बाहर करना है तो किडनी के थ्रू निकलेगा, किडनी के थ्रू निकलेगा तो किडनी को भी डैमेज करता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जो लॉस ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन होगा किडनी के थ्रू, दैट रिजल्ट्स इन द किडनी डैमेज। ठीक है, नाउ द फ्री हीमोग्लोबिन इज टेकन अप रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय द टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम। और ये हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय कौन करते हैं, कौन इसको रैपिडली लेते हैं, टिश्यू TMS टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसको लेकर डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। इस वीडियो में हमने हीमोग्लोबिन के बेसिक्स के पढ़ा कि हीमोग्लोबिन और जो तुम्हारा नॉर्मल वैल्यूज पढ़े हमने, फंक्शंस पढ़े, उसका फ्री हीमोग्लोबिन के बारे में। तो दिस वीडियो नेम है हीमोग्लोबिन एंड फ्री हीमोग्लोबिन। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड फेट ऑफ हीमोग्लोबिन, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। चलते हैं नेक्स्ट।